বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় আসতে না আসতেই ভারতকে খোলা ধমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে যে আমরা ভারতকে ক্ষমা করতে পারব না। আর শুধু তাই নয়, উনি তো ক্লিয়ারলি ভারতকে সাবধান করে দিয়েছে যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ঠিক করতে না পারলে ভারতের সাথে গোটা নর্থ ইস্টের রাজ্য পুনরায় আগুন জ্বলতে পারে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মে হু এহসান খান ওর আপ দেখ রহে হ্যায় ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়েকশন উইথ এহসান। মে উমীদ করতা হু आप जहाँ भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बताएं कि जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कह रहा है कि देखें डॉक्टर मोहम्मद यूनूस अब इंटरिम जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश में उसमें वो वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उसके आने के बाद जो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है सीधी सीधी, वो कह रहे हैं कि हमें धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि देखें अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी रहती है, बांग्लादेश में स्टेबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती या फिर आप देखें कि मुआशी तौर पर उसको डैमेज करने की कोशिश की जाती है या फिर मजहबी तौर पर या फिर आप देखें कि हिंदुओं के ऊपर किस तरह से हमले करवाए जा रहे हैं, रॉ इसके अंदर मुलव्वस है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनूस कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि बांग्लादेश में आप इंतशार फैलाकर साजिश कर आग लगाकर आप शांत रहेंगे, आप पुरअमन रहेंगे, आप सुख से रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि फिर आपको भी उस आग में जलना पड़ेगा। इसको अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो दूसरे रंग में लेकर बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये धमकी है और भारत को धमकी है इस तरह से जो धमकी दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि देखें जो दोबारा इलेक्शन होंगे बांग्लादेश में तब फिर चांसेस हैं बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है उसको हुकूमत में आने का, और जो तारिक जिया खालिदा जिया का बेटा है फिर उनकी जो एक पार्टी लीडर है उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम जो भारत को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत के साथ अब हम कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते, भारत के साथ कोई डील नहीं करना चाहते हम, उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा है। वो कह रहे हैं कि पहले तो हमारी मजबूरी थी कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो डिपेंडेड हैं बांग्लादेश पर और भारत उसको देखता रहा है। वो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश की जो ये स्टेट्स हैं यानी बांग्लादेश के साथ जो चीज़ें मिलती हैं अब या बांग्लादेश को कैप्चर करने के लिए, देखें मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी आर्मी है मोदी उनसे सीक्रेट मीटिंग करें या कर रहा है कि बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया जाए किसी ना किसी तरीके से, ताकि फिर ये जो आए रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, ये ना हो, यानी इस तरह से वो बात कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये हो क्या रहा है भाई, किस तरह से डॉक्टर यूनूस के स्टेटमेंट को आप गलत तरीके से उसको ले रहे हो, उसके कहने का मकसद कुछ और है, वो धमकी नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि अब हमारा जो आपसे रिश्ता होगा ना, ताल्लुक होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा, वो बराबरी की सतह पर होगा। ये नहीं होगा कि ये बांग्लादेशी हैं हम भारतीय हैं, भाई हम बड़े हैं वो छोटे हैं, उनको नीच नजरों से दे, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर यूनूस कह रहा है कि अब जो इक्वालिटी को देखा जाएगा, बराबरी की सतह पर हम ताल्लुकात चाहते हैं, ये नहीं चाहते वन साइडेड बेनिफिट्स ली जाए जिस तरह से शेख हसीना से भारत ने लिए, इस तरह नहीं होगा। आइए व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं, मजीद वेस्ट बंगाली मीडिया क्या कह रहा है, ये तो वीडियो देखने से पता चलेगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, आखिर तक जरूर देखिएगा। 3-2-1 एंड क्यू। बांग्लादेशের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় আসতে না আসতেই ভারতকে খোলা ধমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে যে আমরা ভারতকে ক্ষমা করতে পারবো না, কারণ ভারত আর বাংলাদেশ দুই ভাইয়ের মতো, এক ভাইয়ের বাড়িতে আগুন লাগলে অন্য ভাই এটা বলতে পারেন যে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এই কারণে আমি খুব আহত। আর শুধু তাই নয়, উনি তো ক্লিয়ারলি ভারতকে সাবধান করে দিয়েছে যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ঠিক করতে না পারলে ভারতের সাথে গোটা নর্থ ইস্টের রাজ্য পুনরায় আগুন জ্বলতে পারে, আর তার সাথেই পশ্চিমবঙ্গ পার্টিকুলারলি ভয়ানক বিপদে পড়ে। এছাড়াও মিয়ানমারের কথাও বলেছে, কিন্তু ওটা আমাদের টপিক না। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো খুবই তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে পুনরায় ইলেকশন হবে আর ওখানে বিএনপি ক্লিয়ার মেজরিটি পাবে, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। আর তার আগে কিন্তু বিএনপির তরফ থেকে ভারতকেও ধমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে যে ভারত আমাদের শত্রুদের সাহায্য করে, তাই ভারতের সাথে কোঅপারেট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। আর সব কিছু স্টেটমেন্ট কিন্তু অফিশিয়াল। এখন এর থেকে এটুকু তো বুঝতে পারছেন যে ওরা ভারতে নর্থ ইস্ট আর পশ্চিমবঙ্গে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে, আর তার একটা হিন্ট অফিশিয়ালি ওদের প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এসেছে যে ওরা এটা করবে, কারণ এর জন্যই কিন্তু এই পুরো গেম শুরু করা হয়েছিল।
অ্যাকচুয়াল টার্গেট শেখ হাসিনা নয়, বরং ভারত। আর শুধু তাই নয়, আপনারা কতজন এ বিষয়ে জানেন আমি জানি না, ভারতের গোটা নর্থ ইস্টে যত ইনসার্জেন্সি অপারেশন শুরু হয়েছে তার জন্য কিন্তু হাতিয়ার বাংলাদেশ হয়েই আসত। এছাড়াও আসামকে আলাদা দেশ বানানোর জন্য যে আতঙ্কবাদী গোষ্ঠী লড়ছিল তাদেরও তো প্রায় খতম করে দেওয়া হয়েছে গত কয়েক বছর। আর যখন এই আতঙ্কবাদী গোষ্ঠীর হামলা পিকেছিল সেই সময়ে বিরাট বড় একটা হাতিয়ারের কনসাইনমেন্ট আসে, যেটা কিন্তু বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পোর্ট হয়ে নর্থ ইস্টে ঢুকেছিল। আর এর উপরে অলরেডি ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও রয়েছে, বা আপনারা বিভিন্ন আর্টিকেল পড়তে পারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে আসামে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল। আর আমি যা প্রিডিকশন দিয়েছিলাম খেয়াল করুন প্রত্যেকটা কথা মিলে যাচ্ছে। প্রথমে শেখ হাসিনার সাথে কী হলো, আর এখন বাংলাদেশের নতুন সরকারের ভারতকে দেওয়া স্টেট। এবারে আসে আসল কথায় যে ভারত এখানে কী প্ল্যান করছে। তো বন্ধুরা, এখানে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে, এবং যেমনটা আমি বলেছিলাম যে ভারত আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুরো ম্যাপ পাল্টে যায়, তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে ভারত সরকার বাংলাদেশের কারেন্ট সরকারের সাথে ব্যাকডোরে নেগোসিয়েশন শুরু করে দিয়েছে, আর খুব সম্ভবত এখানে একটা মিলিটারি অ্যাকশন শুরু হবে। ভিউয়ার্স, আপনি এই ভিডিও দেখি হ্যায় কিস তরহ সে জনাব ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ইসকে উপর বাত কর রহা হ্যায় ওর ও ইয়াহাঁ তক বাত কর গিয়া হ্যায় কি সিক্রেট মিটিং ফার্স সে কি যা রহি হ্যায় কি বাংলাদেশ কো ভাই ক্যাপচার কর লো, ইসসে পহলে জো বাংলাদেশ কে উপর জো ডিপেন্ড করতি হ্যায় হামারি স্টেটস নর্থ ইস্ট, জিসকো সেভেন সিস্টার ভি কাহা জাতা হ্যায় নর্থ ইস্ট রিজন, ও সারা কা সারা জো ডিপেন্ড করতা হ্যায় ও বাংলাদেশ কে উপর করতা হ্যায়, ইয়ানি বাংলাদেশ अब कभी इसके अंदर भी जो अमन है, हमारा पीस है, उसको ख़राब ना कर दे। इससे बेहतर यही है कि भाई पूरे के पूरे बांग्लादेश को ही आप कैप्चर कर लें, यानी इनकी सोच देख लें आप। इनकी सोच को मैं कहता हूँ जूतों के साथ 21 तोपों की सलामी दे दें। और कैसे यार ये सोच कैसे लेते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये अंत भक्त, ये गोबर खाने वाली जो कौम है, ये कैसे सोच लेती है इस तरह से। और यार देखें, जो बांग्लादेशी कौम है, जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनस, वो एक बड़े आदमी, वो एक स्कॉलर टाइप बंदा है। वो उसके कहने का मकसद या भारत को उसने कोई धमकी नहीं दी, उसने कहा कि भाई देखें, अगर जो शेख हसीना ने जिस तरह से आपके साथ रिलेशन रखा, हम उस तरह नहीं रखेंगे, हम बराबरी की सतह पर रखेंगे। ये नहीं है कि टिस्टा रिवर का पानी आप लेते रहो, बाकी रिवर्स का पानी आप हमें ना दो, ऐसा नहीं होगा। अब जो हमारा हक है, हम वो अपना हक लेकर रहेंगे। व्यूअर्स, आप इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।